जयपुर में चलने वाला जीएलएफ 5 दिन के बाद अब खत्म हो चुका है। इस जीएलएफ में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीएलएफ का हिस्सा बने, लेकिन जीएलएफ समारोह में इस बार सेलिब्रिटी के सेशन बहुत कम नजर आए। इसका असर सीधे दर्शकों की संख्या पर पड़ा, न ही इस बार विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ी। इस जीएलएफ की खास बात तो यह है कि यह जीएलएफ की आयोजकों ने इस बार स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा आमंत्रित किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने पसंदीदा राइटर्स को सुनने के लिए बेताब थे और उनकी यह ख्वाहिश भी पूरी हुई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बुक खरीदी। इस जीएलएफ के आयोजन में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वाले सेशन तीसरे दिन रहा। बच्चों के इंफोसिस फाउंडेशन के फाउंडर सुधा मूर्ति को भी सुना। इस बार जीएलएफ के चौथे दिन बारिश का दौर चला, दर्शकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुधा मूर्ति और विशाल भारद्वाज के सेशन में सबसे ज्यादा लोग सुनने को पहुंचे थे, लेकिन बारिश के कारण लोगों को खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल पाई। इसके बाद यह आयोजन हंसी खुशी जीएलएफ कार्यक्रम समाप्त हुआ।